श्रीदेवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्लेन पैजामा। प्लेन पैजामे की हम ड्राफ्टिंग समझेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग, स्टिचिंग और ये पहनने में काफी आसान होता है। ये एक लोअर गारमेंट है, प्लेन कुर्ते के नीचे अधिकतर पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, या फिर आप नाइट ड्रेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग करना बहुत ही आसान होता है और इसकी कटिंग भी इजी होती है, इसलिए इसे जल्दी सीखा जा सकता है। प्लेन पैजामा पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर गसेट यूज किया जाता है, जिसे हम म्यानी कहते हैं। ये पैरों के साइड से लूज होता है, इसलिए इसमें बैठने में आपके कोई भी काम करना हो तो ये आसानी से आप इसमें मूवमेंट कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए कॉटन फैब्रिक का यूज किया जाता है। तो आज हम इसकी ड्राफ्टिंग के बारे में समझेंगे और इसके इंस्ट्रक्शंस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है वो समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके मेजरमेंट देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। प्लेन पैजामा बनाने के लिए हमें फुल लेंथ चाहिए, सीट चाहिए और बॉटम चाहिए। सीट को हम हिप भी कहते हैं। तो आपके यहाँ पे फुल लेंथ 40 इंच दे रखी है, सीट 40 इंच दे रखी है और बॉटम 18 इंच है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राफ्टिंग। सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं 0 से 1, ये हमारा फुल लेंथ है। पैजामे की जितनी भी लेंथ है हमारी 40 इंच है, तो हम यहाँ से 0 से 1 हमारा 40 इंच होगा। उसके बाद आपकी आती है 1 से 2, ये आपके 1.5 इंचेस है। ये हमने बॉटम की जो फोल्डिंग की जाती है हेमिंग के लिए वो रखी है हमने 1.5 इंच। आप चाहे तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जितनी आपको डिजाइन के अकॉर्डिंग फोल्डिंग रखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सेम यहाँ पर हो जाएगा आपके 0 से 1 डैश, ये भी 1.5 इंच रखी गई है, क्योंकि जहाँ हमें जैसे इलास्टिक डालनी है या फिर नाड़ा यूज करना है, वैसे तो अधिकतर प्लेन पैजामे में नाड़ा ही यूज किया जाता है, तो हमने नाड़े के लिए जो केसिंग रखी है वो हमारी 1.5 इंचेस है। अब यहाँ पे हम पॉइंट देख लेते हैं 0 से 3, ये हमारा 0 है और ये 3, ये हमारा आता है सीट का थर्ड पार्ट। मतलब जितनी भी आपकी सीट है 40 इंच यहाँ पर दे रखी है, तो 40 को 3 से डिवाइड कर देंगे और उसके अंदर 1 इंच प्लस कर देंगे, तो हमारा 0 से 3 आ जाएगा। सेम वैसे ही होगा 3 से 4 आपके पॉइंट है, जो उसमें सीट में से 1/3 सीट प्लस 2 इंचेस करना है। जितनी भी आपकी सीट है उसको 3 से डिवाइड करेंगे प्लस 2 इंचेस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 0 से 3 में 1 प्लस किया था, सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से 4 में 2 प्लस करेंगे, बस इतना ही चेंज आएगा। अब आपके 0 से 3 जितना है उतना ही 5 से 4 होगा, जितना 3 से 4 है उतना ही 0 से 5 होगा। ये इक्वल पार्ट्स हैं आपके। अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ मिला देंगे, जैसे 0 से 1 डैश है सेम वही होगा, 5 से 6 होगा, सेम यहाँ पर 1 से 2 जितना है उतना ही 7 से 8 होगा। अब 1 से जो 7 है वो हमारा बॉटम का हाफ है, जितना अपना बॉटम है जैसे 18 इंच है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी पॉइंट आएगा वो आपका 1 से 7 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन है 7 से 9 नंबर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो भी आपके बॉटम का हाफ आया है उसके अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद 9 से 10 आपका सीट का फोर्थ पार्ट, मतलब जो भी आपकी सीट है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो आपका 9 से 10 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 4 से 11 आपके 1 इंचेस है, ये हमने शेप के लिए दिया है, जहाँ पे हमें गसेट लगानी है उसकी हल्की सी शेप देंगे, बस उसके बाद आपको ये सारे पार्ट्स अटैच कर देने हैं। 1 डैश से 6 को अटैच करना है, 6 से 4 11 तक, फिर 11 से 10 और 10 से 8। यहाँ पर ऑन फोल्ड है तो यहाँ से हमको कोई भी कटिंग नहीं करनी है, जो आपकी कटिंग होगी वो यहाँ से होगी, ये वाले पॉइंट्स सारे कट हो जाएंगे आपके। अब हम गसेट का पार्ट देख लेते हैं। ए से बी ये हमारी लेंथ है, जो 1/6 सीट प्लस 2 इंचेस है, सीट को 6 से डिवाइड करेंगे और उसके अंदर 2 इंचेस प्लस कर देंगे, तो आपका ए से बी आ जाएगा। उसके बाद बी से जो सी है, इसकी जो गसेट की विड्थ है वो आपके सीट का 12वां भाग, मतलब सीट को 12 से डिवाइड करने के बाद उसमें माइनस 0.5 इंचेस माइनस भी कर दोगे तो ये
बी से सी आ जाएगा आपका। उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन के थ्रू अटैच कर देना है। अब आप यहाँ देखेंगे बी से डी, ये आपका 0.5 इंचेस है जो आपके हल्की सी शेप के लिए लिया है। उसके बाद आप इसको कर्व शेप में जोड़ देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रेट ग्रेन है और गसेट में भी स्ट्रेट ग्रेन है। यहाँ पर टू पार्ट्स हैं आपके लेफ्ट एंड राइट के, और गसेट भी दो पार्ट्स कटेंगे, एक फ्रंट का और एक बैक का। उसके बाद यहाँ पे ये ऑन फोल्ड है और ये भी ऑन फोल्ड में है, तो ये दोनों साइड ऑन फोल्ड रहेगा। यहाँ से ये ऑन फोल्ड रहेगा, अब ये यहाँ से अटैच हो जाएगा सेंटर टू फ्रंट लाइन में, यहाँ से इस टाइप। इसकी ड्राफ्टिंग बहुत ही इजी है, तो आप लोग जब भी ये ड्राफ्टिंग करें, इस ड्राफ्टिंग के ही माध्यम से आपको कटिंग भी आसानी से आ जाएगी। प्लेन पैजामा बहुत ही इजी होता है इसको स्टिच करना भी और इसको पहनना भी। अब इसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मैंने इसके इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं, जैसे आपको मैंने अभी ओरली बताया है 0 से 1 फुल लेंथ है, 1 से 2 1.5 इंचेस है, बॉटम फोल्डिंग है, केसिंग है, ये सारे पॉइंट्स है। अब यहाँ पे गसेट का पॉइंट है, जो आपकी गसेट तैयार की गई है उसके भी पॉइंट्स दे रखे हैं और फॉर्मूलों के साथ में। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे मिस हो जाएं, तो आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग काफी यूजफुल रहेगी। अगर आप किसी के लिए प्लेन पैजामा बनाना चाहते हैं, स्टिचिंग करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आराम से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।